अरे यार, हद हो गई। सारा दिन निकल गया, भाभी जी की सूरत देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये कहाँ गायब हो गई भाभी जी? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे शरीर से हमारी किडनी निकाल ली हो। अजीब सी छटपटाहट सी हो रही है। लगता है खुद ही दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन ये अंगूरी का क्या करे, ये भी तो घर में ही है। क्योंकि भैया दूध किस खुशी में पिला रही हो पगली? हाय दिया, अक्का आपको याद नहीं है कि आज का है क्या? नागपंचमी तो नागपंचमी अभी कहाँ आता है, और उसके दिन हम आपको काहे दूध पिलाएंगे, नाग देवता को पिलाएंगे ना? याद कीजिए का है का है पगली? आज के दिन आप हमको पहली बार आंख मारे थे। अरे तेरा तो तुम्हें अब तक वो दिन याद है? इतना खास दिन हम कैसे भूल सकते हैं? हाँ, हमारे लिए कितना बड़ा दिन था। अब पहली बार आप न्यूडिटी हुए थे। अरे क्या बक रही हो, वो न्यूडिटी नहीं नॉटी होता है। सही पकड़े हैं। लेकिन इस बात को तो बरसों बीत गए ना पगली। छोड़ छोड़, चलो सो जाओ चलो। नहीं, आज हमरा ना आज सोने का दिल नहीं है जल्दी। अरे यार, इसके अंदर के तो रोमांस के कीड़े बिलबिला रहे हैं। क्या बोले? नहीं कुछ नहीं पगली, हम कह रहे हैं कि हमारा ना सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। हाँ, इसलिए तो तुम सो ही जाओ पगली। हमको पहले खाए ना, ये बता, ये दबा देते। अरे नहीं भाई, नहीं, ठीक है, हम ठीक है, तुम सो ही जाओ पगली। हम आपकी पत्नी है, और एक छो पत्नी ऐसे नहीं सो सकती है। अगर उनके पति के सर में दर्द है तो अल्लाह ये मैसेज देते हैं। अरे मैसेज नहीं, मसाज होता है पगली। सही पकड़े हैं। अरे चुप, तुम्हारे इतने ज्यादा बोलने से हमारा और ज्यादा सर दर्द हो रहा है। सोई जा। और लेकिन ये कैसा सरदर्द है जो बोलने से बढ़ रहा है? आए मर गया। आए तिवारी जी। भगवती जी कैसे हैं? बस अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, एज यू कैन सी। साले कच्चे बनियान को अभी घर से बाहर निकलना था। सारा दिन मोहल्ले में मटर गस्ती करके चैन नहीं है साले को, अब भी घर से निकला हुआ है। मौसम काफी अच्छा है। कोई खास नहीं, उमस बढ़ गई है और हवा भी नहीं चल रही है। देखिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रूम में जाइए, एसी ऑन कीजिए, सो जाइए। क्या नींद नहीं आ रही है क्या? लेकिन आप यहाँ क्यों घूम रहे? एक्चुअली मैं हवा खाने आया था। अभी तो आपने कहा कि हवा नहीं चल रही। जब मैं आया था तो चल रही थी, फिर मैं खा गया ना। वैसे अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप एक काम कीजिए ना, आप अपने खोखे पे चले जाइए, मतलब अपनी शॉप खोल लीजिए रात को 1 बजे। I mean, किसी की इमरजेंसी भी हो सकती है। इमरजेंसी? भगवती जी, हमारा कच्चे बनियान का खोखा शॉप है, कोई मतलब अस्पताल नहीं खोल रखा कि रात को 1 बजे कोई आए और कहे भाई, ए भाई, हमारा भाई सीरियस है, उसका कच्चा फट गया है। You have a point. Yes, you have a point. हम तो इसलिए निकले ताकि थोड़ी बहुत थोड़ा कसरत वसरत कर ले।
यू नो, जिंदगी में पहली बार आपके मेरे ख्यालात मिल रहे हैं. वी आर ऑन अ सेम पेज फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब आप भी कसरत करने निकले हैं? हाँ, मतलब कुछ खास करने का मौका नहीं मिल रहा था तो कसरत कर ले. चलिए, बहुत अच्छा विचार है. एक काम कीजिए, आप हमारी उस दीवार के पास जाके कसरत कर लीजिए. वेरी फैंटास्टिक आइडिया. रियली? तो आप हम आपके घर की दीवार के पास जाके कसरत कर लेते. माइंड ब्लोइंग, है ना? ओके, चलिए, ये अच्छा विचार है. चलिए, मेरे इनको देख के लगता है कि कसरत करने के काबिल है. कसरत के काबिल तो हम भी नहीं है वैसे. चल भाई. मैं भाभी जी की शक्ल फाइनली देख पाऊंगा. भाभी जी, जरा प्लीज पलटिए ना. भाभी जी, प्लीज पलटिए. आपके चेहरे पे सुल्फों का घेरा ऐसा लगता है जैसे बैठा रखा है आपने पहरा. भाभी जी, प्लीज पलटिए ना, एक बार शक्ल दिखा दीजिए, इस गरीब की लाइफ सेट हो जाएगी. भाभी जी, प्लीज. ये गलत है. मियाओ मियाओ. किसकी आवाज निकालूं? कुत्ते की निकालूं क्या? औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ. मियाओ मियाओ. वो 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 वो. यार, ये तो बहुत ही गहरी नींद में सो रही है, कैसे जगाए? बड़ी पक्की नींद है भाभी जी की. यहां से देखता हूं. अभी भाभी जी की शक्ल नहीं देख पाऊं. This is called sheer bad luck. मियाओ मियाओ. बड़ी बड़ी पक्की नींद है भाभी जी की. भैया भैया, आप इतनी रात को नाइट वॉक के लिए निकले हैं क्या? ऐसे कुछ समझ लीजिए. सुनिए भैया, इसमें घूमना चाहिए. आपको मैं बताऊं, रात को घूमने से अक्सर चुड़ैलें मिल जाती हैं और उन चुड़ैलों से राजनीति पर बात करने बड़ा अच्छा लगता है. देखिए, मुझे आपकी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं. अरे सुनिए भैया, सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है. आज रात को आप मेरे साथ घूमिए ना, मैं आपको एक बहुत ही क्यूट सा उल्लू दिखाऊंगा. मुझे उल्लू नहीं देखना. क्यों, उल्लू आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है. तो क्या, क्यों नहीं पसंद है? देखिए ना, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है, और खराब मत कीजिए आप प्लीज. क्यों, दिमाग क्यों खराब है? मैं समझ गया. आप ना जरूर दिल से मन से कोई काम करना चाहते हैं जो कि पूरा नहीं हो रहा आपका वो काम. पर भैया, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई काम ऐसा होता है जो कि अगर आधा अधूरा रह जाए ना, पूरी तरह से आधा रह जाए, तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है भैया. तो मैं आपके लिए यही दुआ करूंगा कि भगवान करे आपका वो आधा अधूरा काम कभी पूरा ना हो. I like it. लेकिन इन्होंने मुझे मारा क्यों?
कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने उनसे कहा कि भगवान करे कि आपका काम कभी भी पूरा ना हो? भगवान भैया भैया क्या क्या है भैया? भैया आपका मूड कैसा है? क्यों आपको मेरे मूड के दही भल्ले बनाने हैं? आपका भाई जरूर कोई काम है जो कि अटका पड़ा है, लेकिन भैया आपको एक बात बता दूं, ये जो काम होते हैं ना आधे अधूरे, जो पूरी तरह से आधा रहे वो बहुत मजा देते हैं, बड़ा आनंद देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान करे, नहीं नहीं भगवान ना करे, शैतान करे कि आपका वो काम कभी भी पूरा ना हो। डबल इंपैक्ट, आई लाइक इट। पर इन दोनों को हुआ क्या है? क्या हो गया भाभी जी को, क्या हो गया यार? कोई अपने घर में मटके मुंह डाल के घूमता है क्या? कितने दिनों के भाभी जी की शक्ल नहीं देखी, बाय गॉड सांस नहीं आ रही, आई एम फीलिंग सो ब्रेथलेस। गॉड व्हाई आर यू ब्रेथलेस? क्या मैं जान सकती हूँ आपको सांस क्यों नहीं आ रही? बेबी इतनी सच सबर के निकलोगी तो हमारी क्या पूरे मोहल्ले की सांस रुक जाएगी, बाय गॉड। कितने दिनों बाद तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं दे रहे थे मुझे? कई बार बस जुबान पे आता है, बस निकल नहीं पाता, बस ऐश पे रह जाता है। कॉफी पियोगे? जहर पिलाता हूं। मैंने कभी भी अगर तुम कॉफी की जगह जहर भी पिलाओगी ना तो खुशी खुशी पी जाऊंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? टू मच, आई स्वेयर टू मच। हम ना एक रोमांटिक हॉलिडे पे जाते हैं, एक काम करते हैं शिमला चलते हैं, मैंने सुना है वहां बहुत ठंड पड़ रही है। मेरे कलेजे में तो तब ठंडक पड़ेगी जब वो। ये कौन आया? वो लगता है तिवारी जी आ गए। विपु देखो तिवारी जी आए होंगे ना तो उनको बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहती हूँ। उसे है ना आज बिल्कुल दिल नहीं है। हाँ पक्का बोल देना, बिल्कुल मत बताना मैं हूँ। बहुत चेप आदमी है ये, अगर ये तिवारी का बच्चा तो इसकी तो खैर नहीं, इसका बनाता हूँ बैंड आज। अरे लाओ भाई, कब से हम यहाँ खड़े हैं, हमें तो कोई दे ही नहीं रहा। तो पैसे भी तो निकालो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? वाह 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 भैया लोंडा, हटो एक तरफ। अरे दादा एक गिलास हमें टिकाओ यार, बहुत मन है लस्सी को। अच्छा टिकानी है तो दरोगा जी पैसे भी तो निकालो। अबे तू हमसे पैसे मांगेगू? क्यों रिश्तेदार लगते हो तुम क्या मेरे? काबू दरोगा जी, गधे अगर घास से दोस्ती करेंगे तो खाएंगे क्या? मास्टर जी की लस्सी तुरंत कैंसल अभी के अभी। अरे अरे लौंडो ऐसा मत करो, इस कहावत में गधा हम तुम लोगों को नहीं कहे। तू मास्टर जाकू मतलब सारे हमें गधा कह रहे ऐसू है मार साहब, हमारे संस्कार कहे कि ज्यादा तेज हैं, हमारी अब तुम कर रहे खोपड़िया खराब, वो खोपड़िया खराब हो गई तो सारे हम उल्टो तुम्हें मुर्गा बना देंगे ये थे, और नीचे से ऐसे अंडा निकाल लेंगे। कब आओ लस्सी को हमारी लस लीजिए बैठिए। अरे अरे यार एक लस्सी तो दियो। दरोगा जी हाँ, ये लस्सी जो है ना बिना पैसे के नहीं मिलवे वाली। देखो हो ये 20-30 रुपया के चक्कर में हमसे बिगाड़ो ना, सारे ये पूरी ताल तमड़िया फेंक देंगे और सारे तुम्हें भी फेंक देंगे। दरोगा जी बात ये है गई कि 20 रुपया में ना खाली लस्सी का गिलास देखने को मिल सकता है, बाकी पीने वाली लस्सी के गिलास का ना 250 रुपये लगेगो। का बोलो 250 रुपये की लस्सी होती है? कबू सारे लस्सी में सोने की भस्मे डाल रहा हूँ का 250 की लस्सी? दरोगा जी जा लस्सी जो है ना हाँ? ये बहुत डिमांड में चल रही है अभी है ना, तो पैसे निकालो और लस्सी ले लो।
अरे इतने में तो हमारे जमाने में पूरी भैंस आ जाती थी। सही कह रही। ऐसा है दरोगा जी, ऐसी लस्सी कभी ना देखी होगी। और जे आखिरी गिलास बचा है, पीना हो तो बोलो। अरे 250 रुपये देने के लिए हम तैयार हैं। पैसा है? पैसा तो है नहीं। ऐसा करते हैं, ये रुमाल इस पे रख दो, पैसा लेके हम अभी घर से तुरंत आते हैं। रखना है ये लस्सी? ठीक है। अरे हो, अरे हो मार, तू कैसा आदमी है यार, इतना 250 रुपये में लस्सी नहीं मिल रही, सारे रुमाल तेरे बाप की दुकान है, तो मारो। पैसे की बात है ना, ले ले खा लो अब दियो। अरे लूट रहे, ये लीजिए दरोगा जी। 250 की आ जा। लस्सी बोले, लस्सी भंडार की मजेदार लस्सी, जायकेदार लस्सी है। एक्सक्यूज मी, आई सेड एक्सक्यूज मी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? आपके घर में। एग्जैक्टली exactly. ये मेरा घर है, कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं कि आप खड़े हो गए। एनीवे, किस काम से आए? वो चीनी चाहिए, खत्म हो गई। हमारी चीनी भी खत्म हो गई है। हाँ याद आया, चीनी नहीं चाय की पत्ती खत्म हो गई है। हाँ याद आया, चीनी नहीं चाय की पत्ती खत्म हो गई है हमारे यहाँ भी। तो क्या बकवास कर रहे हैं? क्यों, आपके चाय की पत्ती खत्म हो सकती है, हमारा चाय की पत्ती खत्म नहीं हो सकती। क्यों, हमारे कोई चाय के बागान लगे हुए? खैर इतनी दूर से आए हैं, कम से कम पंखे के नीचे बैठने के लिए। सुबह ही खत्म हो गया है? मतलब सुबह ही खराब हो गया। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे, भाभी से आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। अनु घर पे नहीं है, शी इज नॉट एट होम। है घर पे नहीं है? अभी हमने खिड़की के बाहर उनकी उनकी साड़ी का पल्लू ऐसे लहलाते हुए देखा है। वो पल्लू मैं लहरा रहा था, मुझे बड़ा शौक है जब अनु घर पे नहीं होती है तो मैं उसकी साड़ी पहनकर उसका पल्लू लहलाता हूँ, घूमता हूँ। आई फील दैट आई एम इन हर स्किन। बड़े भाईयात शौक पाल रखे हैं आपने। हमारे शौक ही भाईयात, आपकी तरह इंसान भाईयात नहीं है। खैर भाभी जी कब तक आएंगी? पता नहीं, अपनी मर्जी की मालिक है, शी इज अ ग्रोन अप वुमन, जब उसकी मर्जी करेगी वो आएगी। खैर यार मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। मैंने कहा आपसे अनु घर पे नहीं है। मैंने कहा अनु घर पे नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, अगर है भी तो नहीं है, समझे आप ना। प्लीज आउट। I said please out, 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 Bobby. I said out, out, out. पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं बे पर्दा, पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर। भैया भैया नाइस भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? आप बड़े परेशान से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप खा रहे हैं, तकलीफ के तालाब में हिचकोले, बड़े परेशान हैं, क्या बात है? नहीं कुछ कुछ नहीं है, सब 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 ठीक है, आप जाइए। नहीं, नहीं 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 सब ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है, आप परेशान हैं, आप मेरे साथ आइए। हाँ भाई मेरे साथ ही आइए, आराम से आइए। भैया सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है सक्सेना जी, कुछ ठीक नहीं है। हम दरअसल एक परेशानी में है, और परेशानी की वजह भी आपको नहीं बता सकते। क्यों, दुकान के कच्चे बनियान चूहे कुतर गए क्या? यार ये किस टाइप की बातें कर रहे हैं? भाभी माँ ने मारा है क्या? क्या भाईया टाइप की बातें करें, अंगूरी हमें काय मारेगी भाई?
और अब होते कौन हमसे इस तरह के बेकार के सवाल पूछने वाले, चले जाएं क्या भैया? अरे बैठ, मुझे अपना शुभचिंतक समझ लीजिए भैया, अपना हितैषी समझ लीजिए, एक ऐसा इंसान समझ लीजिए जो कि आपके सुख दुख में आपके काम आना चाहता है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दर्द दुख व्यथा ये बांटने से कम होते हैं या ख़त्म होते हैं। दर्द बांटिए ना भैया अपने शुभचिंतक के साथ।